नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संघात में। जंगल में मोर नाचा या हम नचवा कर अभी अभी बस लौटे हैं, ऐसे सरकारी दावे हम अक्सर आम सभाओं या विधानसभा में बजट भाषण के दौरान ही सुनने को मिल जाते हैं। मसलन हकीकत क्या है वो ग्रामीण अंचल के रहवासी और वनवासी भी नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें कोई गुमान तक भी नहीं रहता कि कई तरह की योजनाएं भी चल रही है। खैर, हम दूर दराज के ग्रामीण अंचलों की बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल बात करते हैं शिवराज सरकार के इस विज्ञापन की और जानते हैं आखिर सरकार के पास इन फिजूल खर्चों के लिए पैसा कहां से आता होगा। समझते हैं, सरकारें छोटी से छोटी वस्तु, चाहे वो खाने पीने से लेकर दवा दारू की ही क्यों ना हो, हम देते हैं उसकी हर खरीदी पर टैक्स, चाहे वो GST हो या वे। इसके अलावा जब सरकार को अपने मन मुताबिक टैक्स वसूलना होता है तो वो उसे GST के उस दायरे से बाहर रखते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में देश की सबसे महंगी दरों पर पेट्रोल मुहैया कराया जा रहा है और उस टैक्स का भरपूर प्रयोग होता है अपनी राजनीति चमकाने में। उसके लिए फिर चाहे आम सभाएं हों या ऊल जलूल प्रचार प्रसार करना पड़े। आइए इसी कड़ी में आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी ही बानगी से। ये देखिए फुल पेज का विज्ञापन, जिसकी कीमत लाखों में होगी और एक को नहीं बल्कि लगभग हर छोटे बड़े अखबार को विज्ञापन रूपी इस रेवड़ी को बांटा गया है। जरा गौर कीजिए, स्वास्थ्य में भी मध्य प्रदेश अव्वल, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं टटोल लेते हैं इस हकीकत को। रुस्तम सिंह लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने विधानसभा में जानकारी दी और स्वयं ये माना प्रदेश के 51 जिलों में से 4 जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत हैं। क्या इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम अव्वल हैं? मध्य प्रदेश राजपत्र 4 मार्च 2016 के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं कुल 130 पद। हैरत होगी आपको ये जानकर उन 130 में से मात्र 26 चिकित्सक और अधिकारी ही कार्यरत हैं आज तक। क्या यही आंकड़े हैं जिनके बल पर हम हो गए स्वास्थ्य में भी अव्वल? कैंसर उपचार के लिए जबलपुर में इंस्टीट्यूट का निर्माण जारी है, अभी ग्वालियर और विदिशा में टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित होना बाकी है। इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय में बोन मेरो ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था लंबित है। क्या इन्हीं आधी अधूरी अधोसंरचनाओं के आधार पर हम हो गए स्वास्थ्य में भी अव्वल? सिविल अस्पतालों की संख्या 64 से बढ़कर 73 और उप स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 8,699 से बढ़कर 11,266 हुई। क्या इनमें स्वीकृत पदों के हिसाब से पूरी पदस्थापना की जा चुकी है? नहीं, विधानसभा में कई बार स्वीकारा है इस तथ्य को मंत्री महोदय ने। क्या फिर भी हम हो गए स्वास्थ्य में अव्वल? अभी तक 38 जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेंटर की सुविधा उपलब्ध है और अब से बाकी जिलों में भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या प्रदेश की सिर्फ 3/4 जनसंख्या को कराई जा रही सुविधाओं के आधार पर ही स्वास्थ्य में भी हो गए हम अव्वल? स्वास्थ्य में भी अव्वल हमारा मध्य प्रदेश, आइए एक बार फिर इस दावे को खंगालेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। We can say it's not so far from city, it's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. Family outing ke liye aana hai, so this is an ideal place. If you want to enjoy here,
have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute, fantastic, very good hospitality. Thank you very much to Mahua House. Place is very good. I enjoyed very much, and ambience बहुत अच्छा है, environment बहुत अच्छा है. ठंड थी तो the bonfire और food, fab food, awesome food, and जगह बहुत अच्छी है. मतलब जा जा के एक adventurous हो जाता है कि आप अंधेरे में adventure कर रहे हो. That's very good. Break के बाद आपका फिर स्वागत है कार्यक्रम संघात में. स्वास्थ्य में भी अव्वल हमारा मध्य प्रदेश. आइए एक बार फिर इस दावे को खंगालते हैं और जानते हैं अभी तक चिकित्सा सेवाएं ही व्यवसाय की श्रेणी में आ चुकी थी. इस बात का मलाल हम सबको है, लेकिन अब चिकित्सा शिक्षा, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुष, इनके माध्यम से सरकार और शिक्षा माफियाओं ने जरिया बना लिया है पैसे कमाने का. आइए दिखाते हैं आपको छात्रों की व्यथा. न्याय की कातर पुकार लगा रहा है, बेबसी की वो दहलीज जिसके पीछे उनके सपने हैं. सपनों को पा लेने का कठिन परिश्रम है, और उस पार उन्हीं सपनों और परिश्रमों का जनाजा दिखाई दे रहा है, जो व्यवस्थाओं के बेलगाम होने का साक्षात प्रमाण है. आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, आपका किस बेसिस पर एडमिशन? हम लोग का मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हुआ है. जो हमने नीट पास आउट किया था उसकी मेरिट लिस्ट पे हमें ये कॉलेज अलॉट हुआ है. मुझे लगा था कि भोपाल में बहुत सही होगा, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, पर इट्स नॉट वर्किंग. कुछ सही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल से भी नीचे लेवल है यहाँ के कॉलेजेस का, स्पेशली हमारा जो कॉलेज है एडवांस मेडिकल कॉलेज. आपको क्या पहले इस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी आपने ली थी? नहीं, हमने कोई जानकारी नहीं ली थी. हमें डीएम के तहत एडमिशन दिए गए थे तो ले लिए थे हमने. मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे लोन लेके एडमिशन लेके आए, क्योंकि पैसा नहीं है सबके पास. जो हमारी 5 लाख से ऊपर की फीस ली हुई है हमने, उसके अवज में हमें कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं. नॉर्म्स के हिसाब से फैकल्टीज नहीं है. एक जो डिपार्टमेंट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट की जगह सिर्फ सीमेंट की छत डली हुई है, बॉम्बू लगे और कुछ कोई डिपार्टमेंट नहीं है. डीएमई में एमसीआई इन सब ने अप्रूव करने के बाद कॉलेज को रखा है, तो हमने सोचा अच्छा ही होगा, आगे जाके कुछ अच्छा करेगा कॉलेज. सील्ड हो गया है और आप लोग ऐसे सड़कों पर उतर आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा, क्या आपकी बात सुनी जाएगी? हम लोग पहले गए थे, एमसीआई भी गए थे, डीएमई गए, एएफआरसी भी गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस जा चुके हैं, काफ़ी मंत्रियों के यहाँ भी गए. मैं एमसीआई गए तो हमें बोल दिया डीएमई चाहिए. डीएमई में कहा कि आपने क्यों ये प्रोफेशन चुना, क्यों आप मेडिकल फील्ड में जाने जाते हो? पर हर कोई हमें आश्वासन ही देता है, निर्णय कभी कुछ नहीं होता. मुख्यमंत्री तक भी हम गए लेकिन सीएम सर कभी नहीं मिले. फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो लोग कब से. जैसे आपका कॉलेज सील हो गया है, आप इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल, सरकार को या आपके चेयरमैन? दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है. काउंसलिंग में उस कॉलेज को रखा, एमसीआई ने अप्रूवल दिया, हमारी क्या गलती है? लेकिन डीएम ने हमसे ये बात छुपाई रखी है, लेकिन उसके बाद इंक्वायरीज होने के बाद भी इनसे कुछ कहा नहीं जा रहा. हमारे जैसे कुछ लोकल स्टूडेंट हैं जिनकी गलती हो सकती है, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं जिनका सपना होता है, जिनको बड़ी मुश्किल से कॉलेज मिलता है, वो लोग तो नहीं देख सकते हैं कि हाँ सिटी का कैसा कॉलेज है. आपको लगता है कि क्या चीफ मिनिस्टर आपकी इसमें हेल्प करेंगे? जरूर वो कर सकते हैं, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें साफ लिखा हुआ था स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉलेज नहीं चला पाती, कॉलेज को कॉलेज प्रशासन, तो स्टेट गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग सभी आयुष चिकित्सक हैं और लगभग विगत 5 वर्षों से हम एक लड़ाई कर रहे हैं कि एलोपैथिक जो इमरजेंसी मेडिसिन की परमिशन है वो सभी आयुष चिकित्सकों को मिलना चाहिए. उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी जितने भी पैथी आती है सभी को मिलना चाहिए. हम लोग भी 4.5 साल की स्टडी प्लस 1 साल का ग्रेजुएशन करते हैं. हम लोग भी एलोपैथिक पढ़ते हैं, जो MBBS वाले पढ़ते हैं हम लोग उनसे ज़्यादा पढ़ते हैं. आज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बात करने की, अगर काम करने की बात आती है, तो वहाँ पर जो भी हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ पर आयुष डॉक्टर ही ICU और कैजुअल्टी मैनेज करते हैं. पर जब अपनी इंडिविजुअल पैथी, माने हम लोग अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस की मांग करते हैं, तो IMA और सरकार हमारा विरोध करती है. ऐसा क्यों? प्रदेश के लगभग 80% जो ग्रामीण औषधालय हैं वहाँ पे कोई डॉक्टर जाने तैयार नहीं. हम लोग जाने के लिए तैयार है, सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है. इंडिया के 10 राज्यों में लागू है,
हमारा सरकार से बस एक ही निवेदन है कि जो अन्य राज्यों में लागू है उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। अगर सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में सभी आयुष डॉक्टर सरकार का बहिष्कार करेंगे भाजपा का। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, जी हाँ सही सुना आपने, सुनिए मत पढ़ भी लीजिए। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। अरे भाई, जब शिक्षा ही बेहतर नहीं थी तो चिकित्सा सुविधाएं कैसे बेहतर हो गईं? क्या कोई साधु संत तंत्र मंत्र विद्या के सहारे हो गए हम? स्वास्थ्य में भी अव्वल, मजबूत थे हम, मजबूर बना दिया है इस भाजपा सरकार ने।